चलिए आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त से कुरकुरे और चीज़ी से वेज चीज़ रोल की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही कम टाइम में झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगते हैं। ये बच्चों को और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, आप इसे बना के ज़रूर से ट्राई करें। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका बहुत ही दिल से वेलकम है। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का इजहार भी आप कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया है और आधा कप गेहूं का आटा इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से बना सकते हैं और आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मिक्स करके बनाने से इसके रोल बहुत ही अच्छे बनते हैं और इसे बेलने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा मिला दें। अकॉर्डिंग टू टेस्ट में नमक मिला दिया और 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल हमने ऐड कर दिया है। अब इसे नॉर्मल पानी से हमें धीरे धीरे से इसे गूंद लेना है, अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। इसे सेमी सॉफ्ट सा डो हम तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट हमारे डो सॉफ्ट साइड पे होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे और इसे पूरी के साइज़ का बेल लेंगे। हमारी जो नॉर्मल साइज़ की पूरियाँ होती है उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये, उस साइज़ का हम इसे बेल लेते हैं। इस तरीके से हमने सारी के सारी पूरियाँ बेल के रख ली थी, देखिए बस इतने साइज़ का हमने बना लिया। और या तो आप जिस साइज़ का रोल बनाना चाहते हैं उतने साइज़ के आप इसको बेल लें। यहाँ पे हमने साइड में सारी की सारी पूरियाँ बेल के रख ली और इसे अब हम सेक लेते हैं। तवा हमारा बिल्कुल लो फ्लेम पे है और हल्का गर्म तवा है, उस पर हमें अलट पलट करते हुए बस 1-1 मिनट के लिए इसे सेक लेना है और फट से इसे उतार के हम साइड में रख लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें सेकने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमने सारी की सारी रोटियां अपनी बेल के रख ली थी और इसे रोल बनने के लिए ये हमारा तैयार था। दूसरी साइड में दूसरे पैन में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल और 2 टेबल स्पून बटर को ऐड कर लिया। इसे गर्म होने पे हमने 6 से 7 लहसुन और 6 से 7 हरी मिर्च को ग्राइंड करके इसमें ऐड कर लिया और 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे सॉटे कर लिया। अब थोड़े से कॉर्न बॉयल कॉर्न थे मेरे पास, उसे हमने ऐड कर लिया, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ की अनियन को स्लाइस करके इसमें ऐड कर लिया, 1/2 कैप्सिकम को स्लाइस करके ऐड कर लें और थोड़े से हमने स्प्रिंग अनियन के वाइट पार्ट्स को इसमें ऐड कर लिया। स्प्रिंग अनियन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आपके पास अगर पॉसिबिलिटी है तो आप इसे ज़रूर से ऐड करें। यहाँ पे हमने बॉयल पोटैटोज़ को ऐड कर लिया है और इसे मैश कर लेते हैं। और आप अपने फेवरेट कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कैरेट, कैबेज और कैप्सिकम को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड कर दिया और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स को ऐड कर लिया। चिली फ्लेक्स से बहुत ही अच्छा सा दिखने में कलर अच्छा भी लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा से बढ़ जाता है तीखापन। यहाँ पे हमने स्प्रिंग अनियन के ग्रीन लीफ को ऐड कर लिया और इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक सॉटे कर लेते हैं। बस इसके बाद से 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे करना है, हमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को ओवर कुक नहीं होने देना है। अब यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हल्का गर्म होने पर हम इसमें चीज़ को ऐड कर लेंगे। हमने 3 स्लाइस चीज़ को ऐड किया है और उसके बाद थोड़ी सी मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी उसको भी हमने ऐड कर दिया है। आप अपनी फेवरेट कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर लें। यहाँ चीज़ की क्वांटिटी हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखी है क्योंकि चीज़ी चीज़ से फ्लेवर आता है तो बहुत ही अच्छा रोल बन के तैयार होता है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पे वो रोटियाँ हम ले लेंगे मैदे की जिसको हमने बना के रखी थी रोल के लिए। अब उसमें फिलिंग इस तरह भर लेंगे और यहाँ पे हमें ग्लू लगाना है। ग्लू बनाने के लिए हमने 2 टेबल स्पून मैदे में जितने पानी की ज़रूरत है करीब 4 से 5 टेबल स्पून पानी मिला के ऐड कर लिया और ग्लू इस बना लिया, उससे हम इसको चिपका लेंगे। बस सेम प्रोसेस से हमने सारे में अपनी मैदे की रोटी में फिलिंग डाली और फिर ग्लू से स्टिक किया और सेम प्रोसेस से इसे स्टिक करके सारे रोल्स को तैयार करके साइड में रख लिया है। अब हमें फ्राई करने का टाइम नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना होगा कि हमने जो ग्लू हमने बनाया हुआ है वो जो बचा हुआ था उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा और मैदा ऐड कर लेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर और थोड़े से पानी डाल के इसे थोड़ा लिक्विडी सा इसका घोल तैयार कर लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा पानी जैसा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा इस तरीके का घोल तैयार कर लिया हमने। दूसरी तरफ हमने कॉर्नफ्लेक्स को हल्का सा या तो हाथों से दबा के कर लें या मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आप इसे हल्का से बारीक कर लें। आप कोशिश करें कि मिक्सर ग्राइंडर में कर लें वरना हाथ आपके थोड़ा ज़ख्मी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक बार रोल को ले लेना है, एक बार इसमें डिप कर लेना है हमें मैदे वाले घोल में और फिर इसे कॉर्नफ्लेक्स से अच्छी से कोटिंग कर देना है। और इसे सारे पे कोटिंग करने के बाद हमें करीब 5 मिनट तक रेस्ट पे ज़रूर रख देना चाहिए ताकि हमें फ़ौरन से हम कढ़ाई में जब डालेंगे गर्म तेल में तो अगर ये फ़ौरन डालेंगे तो ये निकल जाएंगे सारे कॉर्नफ्लेक्स, इसलिए 5 मिनट तक रेस्ट पे रखने से अच्छे से चिपक जाते हैं और स्टिक हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो हमने रख दिया, 5 मिनट तक सेट होने के बाद हम इसे गर्मा गर्म तेल में इसे फ्राई कर लेंगे।
तेल हमारा अच्छा गर्म है, तेज़ गर्म है, और फ्लेम हमारी मीडियम फ्लेम पे है। मीडियम टू लो फ्लेम पे करते हुए हमें करीब 7 से 8 मिनट या तब तक फ्राई कर लें जब तक कि ऊपर अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। और इन्हें फिर क्रिस्पी हो जाएंगे जब ऊपर, तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इन्हें सर्व कर लेंगे। खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं, आप इसे बना के ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप इसे ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपके ये रोल कैसे बन के तैयार होते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक का इजहार कर सकते हैं लाइक के बटन को क्लिक करके। आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इस तरीके कि न्यू वीडियोस आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिकली पहुंच सकें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।